मैंने ये क्लाउड बनाया पर ये बोरिंग लग रहा है। पहले अलग अलग पेंट्स इस्तेमाल करेंगे, अब पेंट ब्रश को पानी में डुबोएंगे और पेंट को मिक्स करेंगे। इसे करने में भी एक मजा है, ये बहुत अच्छा दिखेगा। वाह, ये रेनबो जैसा लग रहा है। ये भी एक कुदरत का करिश्मा है, ये व्यूज कितने जबरदस्त है। और पेंट ब्रश हाथ में आ जाए तो मैं एक जीनियस हूँ। कभी कभी मैं खुद को ही हैरान कर देता हूँ। ओह, क्रिस को देखो। येलो, तो तुम यही कर सकते हो। वो कितना खुश है। तुम्हें कहा था? हाँ, मैं ब्रश इस्तेमाल कर रहा था। ओह, डैड क्या कर रहे हैं? जरा वो देखो, वो तो माइस्ट्रो है। ये बहुत सुंदर है। ये तो शुरुआत है। मुझे नहीं पता वो क्या होता है, पर बनाते रहो डैड। नहीं, ये कैसे हो सकता है? बहुत बुरा हुआ, अब इसे कचरे में फेंकना होगा। मैं क्या सोच रहा था? मैं कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं कुछ भी सोचता हूँ। हे डैड, मैं आपका पेंट देख सकता हूँ? ओह हे दोस्त, चलो दोबारा ट्राई करते हैं। आप कर लोगे डैड। हे, और पेंट भी है, मैं अपना खुद का भी आर्ट बना सकता हूँ। बहुत कूल बनेगा, मैं जरूर बनाऊंगा। दोबारा नहीं। तुम ये क्या कर रहे हो क्रिस? ये क्या ये स्पंज है? तुम तो बहुत तेज हो, मेरी पेंटिंग से काफी बेहतर है। लेकिन मैं इसे यहाँ रख देता हूँ और ऐसे दिखाएंगे कि ये मेरा है। चलो अब सब ठीक है और शुरू करते हैं। ओह हाँ, ये हुई ना बात। आप कर सकते हैं डैड। वाओ, ये पूरा हुआ। आपको कैसा लगा? रात को माउंटेन जैसे दिखते हैं। सच में मैं हार मानता हूँ। तुम ये कैसे कर सकते हो? तो आपको पसंद आया? मैं आपको दिखाता हूँ। पहले एक खाली पेपर लो, अब एक पेंट की ट्यूब लो। ये मजेदार है, इसे पेपर पर निकालेंगे। ज्यादा नहीं चाहिए, बस पेपर पर पेंट की छोटी छोटी ड्रॉप्स डालेंगे इस तरह। थोड़ी और चाहिए, मैं व्हाइट पेंट भी लगाऊंगा। इतना काफी है। अब मुझे अपना पेंट ब्रश चाहिए। पेंट को ब्रश करेंगे, छोटी छोटी इवन स्ट्रोक्स बनाएंगे और कलर्स को मिक्स होने देंगे। मस्ती करो, पूरे पेपर को ऐसे कवर कर लेंगे। बस हो ही गया। अब स्पंज की बारी। इसे पेंट के ऊपर डैप करेंगे, छोटे छोटे सेक्शंस बनाते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा प्रेशर डालेंगे। और भी है, मुझे एक स्पंज और स्टेंसिल चाहिए। मैंने इस स्टेंसिल को माउंटेन रेंज की शेप दी है। इसे पेपर के ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर पेंट डैप करेंगे। आप अलग अलग शेड्स और कलर्स इस्तेमाल कर सकते हो। इससे हम पेंटिंग की डेप्थ बना सकते हैं। ऊपर की तरफ लाइट पेंट इस्तेमाल करें और नीचे की तरफ डार्क पेंट। ऐसा लग रहा है कि माउंटेन्स दूर दूर है। जी हाँ, ये पूरा हुआ। आपको ये ट्राई करना चाहिए। ये तो कमाल है। रुको, मैं इंस्पायर हो गया हूँ। जरा यही रुको। तो तुम इसके लिए तैयार हो? मैं हमेशा से तैयार हूँ। ये देखो, तो शुरू करते हैं। बढ़िया, तैयार हो? चलो, पेंट वर्सेस पेंसिल, कौन जीतेगा? मेरा पूरा हुआ, बढ़िया है ना? ये मेरी कोशिश थी, मैंने इसके एसेंस कैप्चर किए हैं। हाँ, हम आर्ट में बिल्कुल अच्छे नहीं है। वो जरा वो देखो। ओह यस, ये क्या था? ओह, मैं समझ गया, तुम्हारी सोच अच्छी है। चलो मॉम की ड्राइंग बनाएं। हाँ, लगता है अच्छी बनेगी। बहुत जबरदस्त, कैसा चल रहा है? मैं कुछ नहीं कहूँगा। ये मुश्किल है। जरा रुको, मेरे पास एक आइडिया है, पर मुझे क्रिस के ईयरबड चाहिए। स्निप स्निप, हिलना मत। मिल गया, ये परफेक्ट है। इसे यहाँ रख देते हैं। अब इसमें से लाइंस बनाएंगे, बिल्कुल हेयर ड्रायर की तरह। ये बकवास है, मैं नहीं कर सकता। हाँ, मैं टेप इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसे पेपर पर लगाएंगे और इसके आसपास ड्रॉ करेंगे। ये आसान था। अब नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ करेंगे, दूसरी साइड पर भी ऐसा ही करेंगे। अब इन्हें साथ में जोड़ देंगे। अब मैं इसका चेहरा बनाऊंगा, इसका नाक और इसकी आंखें और बाल भी। अब इसकी लाइंस बनाएंगे ताकि ये भारी दिखे। बालों की डिटेल्स बनाते जाएंगे। जब हम इसे स्केच कर लेंगे तो एक बार दोबारा आउटलाइन करेंगे। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। चलो बॉडी बनाएं।
मुझे ये अच्छा लग रहा है। चलो अब कलर करें। पिंक बहुत ब्राइट है, बाल के सारे सेक्शन फिल करेंगे। अब बॉडी को कलर करते हैं। ये क्या कर रहे हैं बॉयज? मैं जाकर देखती हूँ वहाँ क्या हो रहा है। ओह हे मॉम, ये देखो ये आप हो। लगता है आपको ये पसंद आएगा, कम से कम ये आपकी तरह दिखती है। मेरी ड्राइंग सबसे अच्छी है ना? रुको, ये मेरा ईयरबड है। मॉम, काश मैं इनसे पूछती ही ना। मैं जा रही हूँ। मॉम, वाह शानदार, बहुत मेहनत का काम है। मुझे ये नहीं चाहिए, अब इंक चाहिए। ओह पसीना मेरी आंखों में जा रहा है, पर हमें ये बनाना होगा। मैं कुछ खास बना रहा हूँ। ओह हाँ बढ़िया लग रहा है, मैंने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी। ये एक मास्टरपीस है, बस पसीने का दुख है। थोड़ा और, ये हो गया। हाँ ये बहुत है, मैं इसे बाद के लिए रख लेता हूँ। मैं डैड को दिखाना चाहता हूँ। हे डैड, ये देखो। ये मत करो, माफ करना मैं भूल गया था, आप बहुत जल्दी डर जाते हो। हो मेरा दिल बैठ गया था। क्या है, आपको गर्मी लग रही है? मुझे बहुत लग रही है। आपको मेरा आर्टवर्क पसंद आया? ओ नहीं, बहुत बेकार है, मुझे अच्छा नहीं लगा। कुछ लोग बिल्कुल नाशुक्र होते हैं। मुझे कुछ पीना है। तुम बिल्कुल गीले हो गए हो, जरा रुको, मेरे पास एक आइडिया है, मैं अभी आता हूँ। क्या है डैड? मुझे एक ग्लास चाहिए। किस लिए? मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हैट उतारो और मुझे पसीना दो। डैड, ओह हाँ ये हुई ना बात। आप ये क्या कर रहे हो? ये देखो मुझे ड्रॉपर चाहिए, इसमें हम पसीना भरेंगे। पर तुम पानी इस्तेमाल कर सकते हो। रुको मैं भूल ही गया था, ये बहुत गंदा है डैड। मुझे एक प्लास्टिक रैप चाहिए होगा। पेपर पर प्लास्टिक रैप लगाएंगे और स्मूथ कर लेंगे। अब एक पेन लेंगे और प्लास्टिक के ऊपर सीधा ड्रॉ करेंगे। इसे पूरे प्लास्टिक पर करेंगे और कलर्स बदल लेते हैं। प्लास्टिक पर रैंडम लाइंस बनाएंगे, इसे अच्छे से कवर कर लेंगे, कोई जगह नहीं छूटनी चाहिए। हाँ अब ये अच्छा लग रहा है, ये मैं ले लेता हूँ। अब इस पर पसीना गिराएंगे थोड़ी जगह छोड़कर और पूरे पेपर पर लाइंस बनाएंगे इस तरह। हाँ अब अगले स्टेज पर चलते हैं। प्लास्टिक की इंक वाली साइड हम पेपर के ऊपर लगाएंगे और अब इसे पैक कर लेंगे एकदम आराम से और कुछ सेकंड्स के लिए छोड़ देंगे। अब प्लास्टिक को उठाएंगे और जब ये सूख जाए तो एक पेन लेंगे और पेपर के ऊपर इस तरह लाइन ड्रॉ करेंगे। मेरे दिमाग में एक चीज है, ये जादुई दिखेगा और मेरी ड्रॉइंग पूरी होते ही हमें मिलेगा एक सुंदर यूनिकॉर्न। वाह ये कमाल है, मुझे पसंद आया, ये सब मैंने ही बनाया है। वाओ, वो तो मैं हूँ ही, ये सब मेरे पसीने से हुआ, मैं कितना टैलेंटेड हूँ। ठीक है मिस्टर आर्टिस्ट, मुझे ड्रॉ करना सिखाओ, शुरू करते हैं। आज हम ये प्यारा सा बच्चा बनाएंगे, चलो इसे बनाने की कोशिश करो। ठीक है पहले बॉडी बनाएंगे। मुश्किल है, ये इतनी आसानी से कैसे बनाता है। अब इसकी लेग्स, ये बेकार बनी है, बहुत गंदी, ये पिग जैसा नहीं लग रहा। रुको ये क्या चीज है, मैं मदद करता हूँ। ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। ये गलत बात है, मैं तो बस पिग बनाना चाहता हूँ, मैं नहीं बना सकता, मैं आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। सबके साथ ऐसा होता है बच्चे, यही जिंदगी है। जरा रुको ये क्या कर रहा है, वो तो इसके ऊपर रो रहा है। एक सेकंड रुको, इससे मुझे एक आइडिया आया, ये कलर परफेक्ट रहेगा। भरोसा रखो मैं इस पिगी को बदलने वाला हूँ। मैं क्या गलत कर रहा हूँ? इसमें पानी काम आएगा, इस पर ब्रश डैप करेंगे। हे बच्चे रोना बंद करो, ये देखो। ये क्या है? क्या वो शानदार, मेरे पास पिग है। ओह ये, ये तो मेरा फर्स्ट था, बहुत क्यूट है। ओइंक ओइंक। मैडिसन ये देखो, तुम्हें लॉलीपॉप पसंद है ना, पर इसमें से असली वाली बताओ। ओह ये रही, बढ़िया चीज है ना। वो कमाल है, आज के लेसन के लिए तैयार हो, बहुत मजा आने वाला है। मैं इंतजार नहीं कर सकती। ये रहा पहला वर्ड,
मैं चाहूँगा कि तुम ये लिखो। चलो लिखो। ये आसान होगा। हाँ, ध्यान लगाकर। और हो गया, कैसा लगा? क्या ये क्या है? चलो दोबारा ट्राई करते हैं। पहले आर लिखने की कोशिश करो। हाँ ठीक है, मैं ये कर सकती हूँ। ये हुई ना बात। ये कैसा है? ओह, मैं जानता था टीचिंग मेरे बस की नहीं है। रुको, यहाँ पर एक कोट स्टैंड ने मुझे एक आइडिया दिया। इससे सब बदल जाएगा। पहले हम आर बनाएंगे और उसमें शेड करेंगे। अब एक सुंदर सा फ्लावर बनाएंगे और फिर चेहरा। अब इसकी बॉडी। ये अच्छा लग रहा है, पर इसमें और कलर करना होगा। स्पेलिंग सीखने से बेहतर आर्ट क्लास है, मुझे ये अक्सर करना चाहिए। अब बारिश होते हुए दिखाएंगे। क्या तुम कोड की आउटलाइन बना सकती हो? वाव, हाँ, मैं कोशिश करती हूँ। ये काफी आसान है। वो कमाल है, क्या आपने देखा? बहुत अच्छा काम किया, मैं जानता था तुम ये कर लोगी। और ये तुम्हारे लिए। तो तुम यही कर सकती हो? हाँ, रुको, मैं अभी तुम्हें बताती हूँ जेरेड। आज के लेसन का समय हो गया क्लास, ये सब बकवास अभी के अभी बंद करो। तो हम शुरू करें। आज मैं चाहूँगा कि आप एक पिक्चर ड्रॉ करें। ओह, मजा आने वाला है। बोरिंग। मैडिसन क्या कर रही है? मैं कुछ सोच नहीं पा रहा, मतलब आर्ट पे फालतू की चीज है। चलो कुछ कर ही लेते हैं। इतने सारे पेंट है, किसे चुनूं? ओह, मुझे गुस्सा आ रहा है। जरा रुको, तुमने बना भी ली? चलो भी कुछ सोचो। मैं समझ गया, मैं अपनी चेन इस्तेमाल कर सकता हूँ। पहले कैनवस पर व्हाइट पेंट कर देंगे। अलग अलग पोजीशन और एंगल्स पर ऐसे चेन्स लगाएंगे। अब कलर्ड पेंट पेपर पर लगाते जाएंगे, कोनों पर अलग अलग कलर करते जाएं। अब इस मेटल रिंग से इस चेन को खींचेंगे और पेंट भी इस तरह घूमेगा और अनोखा सा पैटर्न बन जाएगा। हाँ, ये बहुत ही बढ़िया है, अब मेरी तारीफ कर सकते हो। ये किस बारे में बात कर रहे हो? वो ये बहुत कूल है, पर मेरा यूनिकॉर्न ज्यादा सुंदर है, आपको पता है ना? जेरेड, कलर्स को कितने अच्छे से इस्तेमाल किया है, मैं जानता था तुम में एक जीनियस छुपा है। मैं, कोई बात नहीं मैडिसन, ये रहे तुम्हारे ग्रेड्स, मुझे यही सही लगता है। ब्रावो जेरेड, ब्रावो। पर मुझ में ज्यादा टैलेंट है। अब और नहीं, मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार टीचर। इतना समय कहाँ लग रहा है? चलो भी जल्दी करो, मैं यहाँ पूरे दिन नहीं बैठी रह सकती। मैं आ रहा हूँ। उप्स, यहाँ पर दीवार है, गुदगुदी हो रही है। मुझे डेंटिस्ट ऑफिस बहुत पसंद है। जेरेड, चुप हो जाओ। हाँ, आपने क्या कहा? ओह, बस करो, हम यहाँ हर हफ्ते आ सकते हैं। जेरेड, ये मत करो। ये क्या है? कितना सॉफ्ट और फ्लफी है, जैसे टेडी बेयर को हग कर कर लगता है, वैसा लग रहा है। ओह यार, ये देखो। इतनी जल्दी नहीं, यहाँ बैठो, अब शरारत नहीं चलेगी, समझे? चलो कुछ ड्रॉ करें। मुझे ड्राइंग पसंद है। ये देखो स्वीटी, पहले एक पेज पर छोटे छोटे लाइंस बनाएंगे, अलग अलग कलर्स इस्तेमाल करेंगे, कुछ इस तरह सर्कल बना लेंगे। अब हर लाइन के ऊपर एक ब्लैक डॉट बनाएं। अब पतला वाला पेन लेकर छोटी छोटी लाइंस बनाएं। ऐसा लग रहा है ये बहुत सारे लोग हैं। इन सबके हाथ साथ जोड़ देंगे। पेंसिल से शैडोज बनाएंगे। और अच्छा इफेक्ट देने के लिए इसे रब करेंगे। तुम्हें कैसा लगा? अच्छा है ना? वाव, ये तो बहुत कूल है। अब तुम्हारी बारी हानी। इंतजार कराने के लिए माफी चाहता हूँ। ओह, आप यहाँ हैं, आ जाइए। जरा मुझे एक मिनट। कोई बात नहीं, मुझे जाना होगा।
मुझे अपने ब्रश को इस्तेमाल करने पर काफी काम करना है। हार्डर स्ट्रोक्स, चलो भी वैसे गा। ठीक है, शाम कितने खूबसूरत है ना? ये देखो असली आर्टिस्ट। हाय, क्या ये अब तक का सबसे अच्छा कपल नहीं है? क्या तुम्हें ऐसे लोग पसंद हैं? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ हनी, मैं बहुत इंस्पायर्ड फील कर रही हूँ। मैं इस प्यार को पेज पर ड्रॉ करना चाहती हूँ। यहाँ, क्या ये बहुत बोरिंग नहीं है? मैं अपने दिल की सुनूंगी। एक बारी में पेंट का भरमार, इस तरह कलर मिक्स हो जाएगा और तुम मजेदार लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। ये आ गया कलर, ये लगभग डॉट सारे खत्म हो गए हैं। अब एल्यूमिनियम फॉइल को क्रम्बल करें और इसे गीले पेंट को ब्लॉट करने में इस्तेमाल करें। इससे बहुत अच्छा टेक्सचर आएगा। देखो मेरा क्या मतलब था। अब ब्रश लें और इसे थोड़ा पॉलिश करें। बगैर ट्री के बाहर का सीन कैसा सीन हुआ? बस ट्राई करना, ज्यादा दबाव मत देना और ब्लॉटिंग करें। देखो क्या ये अच्छा नहीं लग रहा? पर अभी हमें और करना है। ये कलर मिक्सिंग ज्यादा मुश्किल नहीं है, पर इसे अभी और रिफाइनमेंट की जरूरत है। देखो यहाँ लवर्स है, ये मेन फोकस नहीं है। बढ़िया, अब थोड़ी बारिश की जरूरत है क्योंकि ये बहुत रोमांटिक होता है। टारा, कितना रोमांटिक काफी है? मेरा जरूर है, तुम्हारा कैसा है? बेहतर हो सकता था, तुम्हें पसंद आया? वाओ, ये तो म्यूजियम में रखने लायक है। सच में? देखो इस बार मैं जीती। बहुत बढ़िया जेन, इधर आओ प्लीज। मेरे ख्याल से तुम ये रख सकती हो। ये हम है स्वीटी पाई, जाओ। हम इस बोल में थोड़ा दूध डालेंगे और अब कुछ ड्रॉप्स फूड कलरिंग की। ये गया रेड और अब आ रही है ब्लू की। और हाँ बिल्कुल, हम येलो कैसे भूल सकते हैं? अब हमें कॉटन स्वैप चाहिए। चलो इसे दूध को छुएं। ये देखो, ये हिल रहा है। मैं जिस डायरेक्शन में चाहूँ वहाँ इसे ले जा सकती हूँ। चलो अब इसे मिक्स करें। मैं बोर हो रही हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? समझ गए, थोड़ा आर्ट हो जाए। पहले ऑरेंज पेंट से शुरू करेंगे। आर्ट मजेदार है, जब आप क्रिएटिव हो तो बोर होना मुश्किल है, कुछ पीते रहना चाहिए। ओह नहीं, मैं क्या सोच रही थी, मेरी उंगलियों पर पेंट लग गया। अरे नहीं, गड़बड़ हो गई। अब मैं क्या करूँ, पेंट पूरे ग्लास पर लग गया। रुको, मैं तो जीनियस हूँ। जी हाँ, एक साफ ग्लास से शुरू करते हैं और उंगली से पेंट लगाते हैं, इतना काफी होगा। अब मैं ऊपर की तरफ टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनाऊंगी। बढ़िया, और थोड़ी और। अब इन कलर डैब्स के नीचे थोड़ा सा मार्कर लगाएंगे। ये हो गया, कितना प्यारा है। ऐसा लग रहा है मेरे ग्लास के आसपास लाइट्स लग गई। ये पहले से बहुत सुंदर दिख रहा है, मैंने ये बना कैसे लिया? चलो थोड़ा और जूस पिए, मैं इसी की बात कर रही थी। Hey! तुम्हें मेरी नई जैकेट कैसी लगी? मैंने ये सेल से ली है, ये 50% ऑफ पर थी। ये अच्छी है ना? हाँ बढ़िया है, समझ गई। पर मेरी नई जैकेट तो देखो। तुम्हें मेरा नया फोन केस कैसा लगा? स्पार्कल्स पुरानी हो चुकी है, मेरे पास पॉपेट्स है। जो भी है, मेरे पास ये नोटबुक भी है और ये स्टिकर से सजी हुई है, हार्ट्स और स्टार्स और एक आइसक्रीम ट्रीट भी। क्या? मेरी नोटबुक इतनी बोरिंग और प्लेन है, ये बिल्कुल नहीं चलने वाली। मैं कुछ तो कर सकती हूँ। ये रही मार्कर्स। रुको, मेरे पास एक प्लान है। ये रहे मार्कर्स और एक नाइफ। पहले हम इसकी टिप काट देंगे, अब थोड़े से कट्स लगाएंगे ताकि ये हार्ट जैसा दिखे। हाँ, देखो कितना प्यारा लग रहा है। अब हम नोटबुक लेंगे और इस स्टैम्प की मदद से, मैं सिर्फ हार्ट्स तक ही नहीं रहना चाहती। ये देखो, अब यहाँ पर हार्ट्स और स्टार्स भी है। देखा, मेरी नोटबुक पर भी ये है और मुझे स्टिकर्स की जरूरत नहीं पड़ी। वो तुमने ये कैसे बना दिया?
उस स्क्वायरल को बोलो मेरी आइसक्रीम वापस देकर जाए। इस रोड से नहीं जाऊंगी। हाँ चलो पेंटिंग शुरू करें। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं आर्ट में सबसे अच्छा हूँ। पेंटिंग मजेदार है। ओ नहीं, उसके कंप्यूटर पर पेंट लग गया। समझ गया, मैं इसे साफ कर देता हूँ। रुको, ये तो फैल रहा है। ओ नहीं, ये तो और भी गड़बड़ हो गई। ये पूरा पिंक हो गया। वो मेरे ऊपर बहुत गुस्सा होगी। हम्म, घोट गई। तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? हम्म, तुम अजीब बर्ताव कर रहे हो, मुझे शक हो रहा है। एक सेकंड रुको। ओह, मेरा लैपटॉप, इसे क्या हो गया? तुमने इस पर पिंक कलर कर दिया। हम्म, वहाँ क्या है? एक स्ट्रॉ। रुको, मैं इसका हल निकाल सकती हूँ। हाँ, ये रहा मेरा खराब हुआ हुआ लैपटॉप। मुझे और पेंट चाहिए। जी हाँ, और ज्यादा पेंट लगाना ही इसका हल है। व्हाइट और येलो भी, और थोड़ा पर्पल। कितना सुंदर है। अब हम इसमें थोड़ा ब्राउनिश येलो डालेंगे। हाँ, अब स्ट्रॉ की बारी है। इस पेंट पर फूंक मारना शुरू करेंगे। लैपटॉप के ऊपर इसे फैलाने के लिए हवा का इस्तेमाल करेंगे। बस करते जाए। अलग अलग कलर्स कितने अच्छे लग रहे हैं। और इन पैटर्न्स और टेक्सचर से कितना कूल लग रहा है। वाह, ये तो एक जबरदस्त आर्ट वर्क बन चुका है। कितना खूबसूरत है। मुझे समुद्र की लहरें याद आ रही हैं। ये इतना प्यारा बन कैसे गया? वाह, इस कंप्यूटर को देखो, कितना कूल है। अब मुझे नहीं छोड़ सकती मॉम। मैं एक घंटे के लिए जा रही हूँ स्वीटी। अब खड़े हो जाओ। मैं तुम्हें फिर मिलती हूँ, ठीक है? अपनी बहन के साथ खेलो। अब ये करना पड़ेगा। इसके चेहरे को तो देखो। कोई बात नहीं, हम खेल लेते हैं। चलो कार्स की रेस लगाएं। हाँ, मैं ये खेल सकती हूँ। मुझे व्हाइट वाली चाहिए। नीचे बैठ जाओ। वो कब तक वापस आएंगी? इसमें ऐसा क्या है? लड़कों को कार्स इतनी अच्छी क्यों लगती है? हे, मैं जानती हूँ ये और मजेदार कैसे होगा। मैं टेबल पर ड्रॉ करूँगी। तो पागल हो? बहुत बुरा है। शुक्र है मेरे पास ये है। अरे यार, सब साफ कर दिया। अब हम क्या करें? हर किसी को सॉकर पसंद है ना? चलो बे, ये मजेदार होगा। हे, ये देखो, पकड़ो। मिस हो गई, पर मजा आया शायद। हे, ये वाली ट्रिक देखो, कूल है ना? नहीं, क्या भी? क्या? तुम फर्नीचर पर ड्रॉ नहीं कर सकती, मैंने कहा ना। सॉरी, पर मैं जानती हूँ कहाँ ड्रॉ कर सकती हूँ। दीवार पर इतनी जगह है। ये एक अच्छा मास्टरपीस होगा। तो चलो। मेरी बाजू थक गई है। क्या भी, तुम कहाँ हो? नहीं, हे भगवान, मैं वापस आ गई। बच्चों, ये क्या? आप घर आ गई। देखो मैंने आपके लिए क्या बनाया। तुमने तो बस उसका ध्यान नहीं रखा। कभी नहीं रखते। रुको, मुझे ही कुछ करना होगा। क्रेयॉन को रख दो। क्या भी, ये मत करो, उसे रख दो। क्या? मैं और नहीं सह सकता। वो मेरा फेवरेट क्रेयॉन था। रुको, माफ कर दो। रो मत। क्रेयॉन्स के साथ मस्ती हो जाए। पहले से ब्लेड से शेप कर ले। बहुत सारे कलर्स ले। अब इस पर हाथ रखकर फैला दे। अब इस पर ड्रॉ भी कर सकते हैं। हम इसे कहेंगे मिस्टर रेनबो। लाते मत भूलना। लो, कूल है ना? मुझे पसंद आया। मैं ट्राई करूं? बच्चों, मैं घर आ गई। मेरे बिना मजा आया? दोबारा। हाँ, साथ में खेलते हुए कितने अच्छे लगते हैं। कितनी मीठी है ये। मेरी आर्ट ने मुझे मदद कर रही है। यहाँ क्या हो रहा है? ओह,
तुम्हें रोज पता है ना बच्ची, कोई कैंडी नहीं। वैसे भी इतना मीठा कौन खाता है। ओ, इसे क्या हुआ है? क्या तुम समझा सकती हो? बढ़िया हाँ, मैंने ये खुद बनाया है। मेरे लिए भी बनाओ। आज यहाँ क्या हो रहा है? ये क्या है? ओ, प्रिंसिपल, कैंडी लाना मना है। अब तुम्हारी पनिशमेंट। नहीं रुको। वाओ, ये कैसी जगह है? जरा सुनिए, अब समय अपनी यूटेंसिल्स चुनने का। एक बर्ड बनानी है। ये तुम्हारा पहला आर्ट चैलेंज है। जरा सोचने दो। ये स्कार्फ, ये मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। क्या ये वही है जो मैं सोच रही हूँ? निकलो यहाँ से, सिली बर्ड। कम से कम इससे मुझे कोई मदद तो मिली। वैसे मेरे पास एक चीज है जो इसे और अच्छा करेगा। ये इसके अंदर कैसे आया? जो भी है, जैसा मैं कह रही थी। हाँ, क्या ये कोई मजाक है? ठीक है, आखिरकार मेरा सामान। ओह बढ़िया, एक और बोरिंग बुक। इससे कोई मदद नहीं मिलेगी। गॉगल्स, इनमें से कोई भी सामान काम का नहीं है। ये सब मैथ्स क्या है? जैसे मुझे इनमें से कुछ पता भी हो। और दूसरी बात, मैं अपनी मदद के लिए नंबर्स का इस्तेमाल कर सकती हूँ। मुझे उसकी बॉडी बनाने के लिए कुछ मैजिक नंबर्स का इस्तेमाल करना होगा। और सर पर भी। ये बर्ड जैसी लग रही है ना? जब तक इस पर कलर नहीं हो जाता इंतजार करो। क्या तुम ठीक हो मेरी लिटिल चिकिटी? मैं तुम्हें बहुत सुंदर फेदर्स दूंगी, रेनबो के सभी रंगों के साथ। ये खत्म हो गया। तुम्हें क्या लगता है, क्या आप इसमें नंबर्स देख सकते हैं? बढ़िया। और तुम? मैं कुछ बेकार मौसम में फंस गई हूँ। मैंने अभी तक यही बनाया है। ओह, तुम ये राउंड जीती हो एनी। ओह ये मेरे लिए। शुक्रिया। मैं ऐसे काम नहीं कर सकती। काश मुझे पता होता कि ये होने वाला है। ओह, दूसरा चैलेंज है हमारे पास। मैं दिन भर काफी एप्पल्स देखती हूँ। मैं जानती हूँ कैसे शुरू करना है। और ये बन गया परफेक्ट सर्कल। लेकिन मैं स्टेम कहाँ बनाऊँ? पूरे पेज पर तो सर्कल बन गया। दूसरा वाला लेती हूँ। मुझे कहीं से मदद की जरूरत है। रुको, मुझे एक बढ़िया एप्पल दिख गया। उनका ध्यान कहीं और लग रहा है। मैं जा रही हूँ। मिशन एप्पल इम्पॉसिबल, पूरे इफेक्ट्स के साथ। मेरे पास हथियार है और मैं तैयार हूँ। बस बहुत ध्यान से इसको काटना होगा। हाँ, एनी क्या कर रही है? क्या कर रही हो? बैठ जाओ। माफ करना। ओ यार, मैं बस करने वाली थी। शायद जितना मुझे आता है वही ड्रॉ करना होगा। जैसे कि वर्ड एप्पल, ये आसान है। PPLE। एक मिनट, अगर मैं इस वर्ड को 5 से डिवाइड करूं या एक एप्पल से, तो मैं काफी अच्छे से ड्रॉ कर पाऊंगी। ठीक है, तो चलो 5 को थोड़ा बड़ा बनाएं। कौन जानता था कि एक नंबर से पूरा एप्पल बन जाएगा? आप जान भी नहीं पाओगे कि एक नंबर से स्टार्ट हुआ है, खासकर तब जब उसमें तुम कलर कर लोगे। बिल्कुल सही ब्लेंड करना है और ये बहुत अच्छा बन जाएगा। उप्स, स्टेम मत भूलना। थोड़ी सी शैडो बना दो और थोड़ी और डिटेल्स। और ये एकदम खाने लायक बन गया। क्या आप सहमत नहीं है? तारा, मैंने कर दिया। मैंने भी। कितना असली लग रहा है और कितना फ्लैट। खैर, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। ब्रावो एनी, मैं जीत गई। हाँ, काश मेरे पास असली एप्पल होता। मेरे पास भी। उफ, किसी ने ये पहले से खाया हुआ है। अच्छी बात है, मेरा फ्रेश है। हम्म,
मैंने सारा खाना इकट्ठा कर लिया। नहीं, ये गिर गया। ओ नहीं, मैं इसमें कितना बुरा हूँ। रुको, क्या वहाँ पेंट है? हाँ, ये पेंट है और एक ईज़ल। वो इसे यही छोड़ गई। मुझे अब आर्ट करना है। क्या वो यही कहीं है? मैं पकड़ा नहीं जाना चाहता। नहीं, दरवाजा बंद है। चलो पेंटिंग शुरू करें। ये पिंक कलर मुझे पसंद है, कितना सुंदर है। मैं पेंटिंग में माहिर हूँ, सबसे अच्छा। हाँ, सारा सामान मिल गया। क्या ये क्या है? हाय, देखो मैं पेंटिंग कर रहा हूँ। ये अच्छा है ना? हाँ बिल्कुल। अब मैं क्या करूं? वो कैनवस तो खराब कर ही चुका है। हाँ, मेरे पास इसका हल है। जी हाँ, ये रहा कैनवस, एक परफेक्ट ए। अब पेंट के बारे, जो रंग उसने इस्तेमाल किया मैं भी वही करूंगी। यहाँ ब्लू, मुझे और ब्लू चाहिए और येलो भी, सारे रंग। इस स्पॉन्ज से थोड़ी सफाई हो जाए। मजाक कर रही हूँ, ये आर्ट का ही हिस्सा है। मैं इस स्पॉन्ज से सारे पेंट कलर्स को डैब करूंगी। अगर टेप पे भी लग जाए तो कोई बात नहीं। ये डैबिंग करना तो बहुत मजेदार निकला, पर इतनी जल्दी नहीं होगा। अगर आप करना भी चाहें तो भी नहीं। ये देखो, मैंने पूरे कैनवस पर पेंट कर ही दिया। तो चलो अब टेप उतारेंगे और ये निकल गए। वाह, कितना सुंदर लग रहा है। वाह, शानदार, तुम्हारी पेंटिंग बहुत अच्छी है। एक मेरे लिए भी बना दो। अगला क्या है? कम से कम मेरा सामान तैयार है। आहा, जैसा तुम कहो। हाँ, हाँ? कौन है? वाह, बढ़िया, चलो करें। मैं एकदम से इंस्पायर्ड हो गई। इमोजी का मतलब शेप्स के साथ मजे करना। मैं एक मीन सर्कल बनाऊंगी। आहा, मैं थोड़ी ज्यादा हेल्प इस्तेमाल कर सकती हूँ। फ्रेश जार पेंट जैसा कुछ नहीं। हे, ये क्या है? तुम्हें परवाह नहीं है, है ना? वाव, विश्वास नहीं होता। हाँ, ये दिलचस्प है। एक मिनट रुको, मैं इसे नए तरीके से करूंगी। इसके अंदर आओ येलो पेंट। बढ़िया, और अब यहाँ से मजे होंगे। इसे भरो। वुहू, जरा इन्हें देखो। क्या आप सोच सकते हो मैं क्या बना रही हूँ? एक इमोजी, याद है? ये जरूर अलग होगा। ए वेंडी, ओह, मुझे लगा तुम नहीं कर पाओगी। मुझे नहीं लगता ये इसे मात देगा। मुझे पता है, ये बढ़िया है। काश ही मैंने सोचा होता। ओ मेरा प्यारा प्यारा बच्चा, कितना हैंडसम है। वैसे तुम ये क्यों नहीं बनाती? अभी ओ, ये शुरू हो गया। मैं डॉगी बनाने में एक्सपर्ट हूँ। सिर्फ सिर, बॉडी और चार टांगे बनानी है। लेकिन ये थोड़ा डर लग रहा है ना? जरा मुझे दोबारा ट्राई करने दो। मेरे ख्याल से बड़ा बनाना बेहतर होगा। अभी भी बुरा है। हाँ, नहीं, अभी भी बेकार है। गुम। ओह, हे या। हाँ। What? शांत हो जाओ। हे, मेरे ख्याल से मेरे पास एक आइडिया है। मैं अपना हाथ का इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि एक बार मैंने आउटलाइन बना ली तो डिटेल्स बनानी आसान होगी। विश्वास करो, ये बहुत अच्छा बनेगा। देखा, अब सिर्फ कलर करना बचा है। और ये अच्छा बच्चा चॉकलेट ब्राउन वाइब्स दे रहा है। पिंक टंग मत भूलना, डॉगी का ट्रेडमार्क। टाडा! देखा तुमने, काफी अच्छे से बनाया है। और तुम्हारा हैनी? क्या? हाँ, कुछ नहीं बनाया। इसका मतलब आप जीत गई मिस एमा। ओह, ये स्वादिष्ट लग रहा है। शुक्रिया। चॉकलेट डॉगीज, मैं इससे शुरू करूंगी। अच्छा दिख रहा है। कितना क्रीमी है। ये सही नहीं है। शांत हो जाओ बच्ची, एक ले लो। ओह, सच में शुक्रिया। बिल्कुल, थोड़ा सा कुछ असली दिखना चाहिए। लेडीज, हे, ओह, इसके लिए माफी चाहते हैं। क्या हमें हाथ बनाना है? ठीक है, ठीक है।
मेरे पास एक प्लान है। चलो देखें, ये हाथ काम करेगा लेकिन ये वाला काफी बेहतर है। हाँ, एक हाथ उधार लेने की बात हो रही है, मुझे बस इसे यहाँ ट्रेस करना है। ये राउंड मैं ही जीतूंगी। ये देखो, एक मिनट, सच में ठीक है, ये चीज मजेदार है। वैसे मैं जानती हूँ, बहुत अच्छी बच्ची। हाँ एनी, खैर ये अजीब था, वहाँ थोड़ी वैक्स महसूस हुई। हाँ परेशान मत करो, मैं यहाँ काम कर रही हूँ। रुको, पता है क्या, ये काम आएगा। आर्ट एक इंस्पिरेशन है, कॉपी करना नहीं। और इन ट्विस्टेड फिंगर्स ने काम कर दिया, लाल नाखूनों ने जरूरी है ना? ये चीज काफी काम आ रही है। बन गया। वो कहाँ गई? ओह, वैसे भी हे, हाथ दिखाओ। ठीक है, वो उन्होंने ये कैसे बनाया? इसके सामने मेरा कितना बेकार लग रहा है। हे भगवान, बहुत खूब। वो किसे हाथ दिखा रही है? मेरे प्राइस को। और वाओ, ये शानदार है, मैं आर्ट क्वीन हूँ। जलन हो रही है, बहुत बढ़िया, इसके बारे में सोचना भी मत। कैसे हो दोस्त, क्या तुम ये बना सकते हो? तो चलो शुरू हो जाओ, ये बहुत आसान होगा। इस राउंड में पिंक कमाल करके दिखाएगा। ओह हाँ, पहले पेपर कप बनाओ। बबल गम पिंक मेरा मन पसंद है। ओह, उन्होंने साइज नहीं बताया, मैं कहूंगी ये 5 इंच है। और अब स्वादिष्ट हिस्से की बारी, कितना अच्छा है। लेकिन ग्रीन शायद बेकार चॉइस थी। ओह हाँ, क्या ये आइसक्रीम है? मैं ये नहीं बनाना चाहती थी, तुम्हें सब्जियां चाहिए थी है ना? बहुत बुरी गलती थी, मैं कहूंगी जितना असली उतना बेहतर। बड़े क्रीमी स्कूप से शुरुआत करते हैं, कलरिंग हमेशा इसके बाद होती है, इस तरह तुम अच्छे से बना पाओगे। देखा, मैं ये कह रही थी, सारी डिटेल्स बनाना सही रहेगा। देखा आइसक्रीम, ये कप पर लिखा है। आखिरकार इसे कलर करने का समय है। ये आइसक्रीम मुझे भूखा बना रही है, यही होता है जब तुम कुछ असली ड्रॉ करते हो। लगभग हो गया, बस थोड़ी सी और डिटेल्स और हो गया, मैंने बना लिया। जरा इधर देखिए। हाँ ओह, जरा देखने दो। तो इसे कहते हैं मास्टरपीस। ये लो। हाँ वो, ये तो एक असली आइसक्रीम के बकेट में बदल गई। ये अब तक का सबसे अच्छा प्राइस है। ओह, ये टॉर्चर है, मुझे ब्रोकली पसंद भी नहीं है। की जैसा स्वाद आ रहा है। चलो स्वीटी, आराम से डार। पर कॉन्टेस्ट है, मुझे इसे परफेक्ट बनाना है। तुम बहुत टैलेंटेड हो स्वीटी, पर चलो भी, हमें जाना होगा, समय बीतता जा रहा है। मुझ पर प्रेशर मत डालो। डैड रुको। ओह नहीं मेरी प्यारी बच्ची। कोई बात नहीं, डैडी यहीं है। नहीं, मेरी ड्राइंग खराब हो गई, इसे देखो। हाँ ये तो सच में खराब हो गई। अब कॉन्टेस्ट का क्या होगा, टर्न क्या हुआ है? ओह सोचो, हम कुछ तो कर सकते हैं। मैं समझ गया, डैड तुम्हें बचा लेंगे, दोनों पेन लेकर एक पिक्चर बनाएंगे, ये बिल्कुल एक जैसी दिखेंगी। मैं नहीं जानता था मैं ये भी कर सकता हूँ। लो हो गया, बढ़िया है ना? वो बहुत अच्छा है डैड। अब जल्दी अंदर आओ। हाँ हाँ, आपके साथ ही हूँ, यही हूँ यही हूँ। वाह, विश्वास नहीं हो रहा। मैं जानता था तुम कर लोगी हनी, और ये सब मेरे कमाल के टैलेंट की वजह से हुआ। मैं अब अपना अगला मास्टरपीस बनाऊंगा। इतना पेंट काफी है, अब इसे फैला लेते हैं।
हाय स्वीटी, नहाकर मजा आ गया। अब मैं अपने बाल सुखा लेती हूँ, बालों में हवा जाते हैं, मजा आ जाता है। शाला ला ला ला। हाँ? मॉम, ध्यान से। मैं नई लुक ट्राई करती हूँ। हे, ध्यान से, मुझे वो हैट पसंद है। ओह, ये अच्छा लग रहा है। आपने मेरी पेंटिंग खराब कर दी। आपने ऐसा क्यों किया? आपको पता भी है आपने क्या किया? ये बेहतर है। ये सब आपकी गलती है। अब मैं क्या करूँगा? ओह स्वीटी, मुझे माफ कर दो, मुझे पता ही नहीं चला। कोई बात नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगी। मेरे पास ही आ गया है, जरा ये देखो। कैनवस पर पहले एक्रेलिक पेंट डालेंगे, इसे सर्कल में डालेंगे, अलग अलग कलर्स इस्तेमाल करेंगे। अब एक हेयर ड्रायर से इसे फैला लेंगे, इससे वेव पैटर्न मिलेगा, पेंट मिक्स हो जाएगा तो बहुत बढ़िया कुछ बनेगा। मॉम, ये तो बहुत अच्छा है। हाँ मैं जानती हूँ डियर, पर हेयर ड्रायर के बिना ये नहीं हो सकता था। वाव, कमाल है, मैं इंस्पायर हो गया, मैं भी कुछ पेंट करूँगा। ये हुई ना बात। अभी रुको मॉम, मुझे ये चाहिए। कोई बात नहीं, तो आज बाल ऐसे ही लेकर जाने पड़ेंगे। इस केक को बेक होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, तब तक मैं सफाई कर लेती हूँ। मॉम मॉम देखो, हमें वेकेशन पर चलना चाहिए, जरा ये गोल्डन सैंड को तो देखो, आपको कैसा लगा? हाँ मैं भी जाना चाहती हूँ, बस एक चीज देख लूं। पैसे कम है, फ्लाइट का खर्चा और रहने का भी नहीं, ये नहीं हो सकता जेरेड। ये गलत बात है। कोई बात नहीं, मैं इमेजिन कर लेता हूँ कि मैं ट्रॉपिकल आइलैंड पर हूँ। मुझे माफ कर दो हानी, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, शायद इससे तुम खुश हो जाओ। जरा ये देखो, ये बीच का शेल है। रुको, ये है तो सुंदर, पर मैं एक शेल से नहीं मानने वाला हूँ। मुझे लगा ये काम करेगा, अब मैं क्या करूँ, कुछ तो करना होगा। जरा रुको, शायद मैं एल्यूमिनियम फॉइल इस्तेमाल कर सकती हूँ। कैनवस पर पेंट लगाएंगे, अब फॉइल को इकट्ठा कर लेंगे, पेंट पर फॉइल को डैब करेंगे, इससे अच्छे से मिक्स हो जाएगा और एक टेक्सचर इफेक्ट मिलेगा। अब इस पर और डिटेल्स लगाएंगे, जैसे कि ये शेल्स, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बीच पर है, और पत्थरों से टकराती हुई लहरों की आवाजें आ रही है। जेरेड, जरा इसे देखो, ये सुंदर है ना? वाव, इसे देखकर मुझे बीच की याद आ गई। बहुत अच्छा है मॉम, पर ये वेकेशन नहीं है, है ना? रुको, मेरे पास एक और आइडिया है, इसे सेल पर लगा देते हैं और इंतजार करना है। आहा, एक बुद्धू, मेरा मतलब है कस्टमर आया है। ये क्या हुआ, हम अमीर हो गए, इसका मतलब हम जा सकते हैं। हे भगवान, आज का दिन सबसे अच्छा है, अब सबसे अच्छी हूँ मॉम। मेरे लिए रुको, आपको घर जाकर पेंटिंग करनी शुरू कर देनी चाहिए, मैं हमारा अगला वेकी प्लान कर रहा हूँ। हाँ, ये लड़का कौन है, उसके कपड़े तो देखो, ये आया कहाँ से है, हम इसे बुलाना चाहिए। है, कैसे हो? हाथ पे कुछ नहीं है। एक नहीं तो कोई दोस्ती नहीं, मैं टीचर को बताऊंगा। इंक नहीं है, ये क्या बात हुई? मिस्टर, देख नहीं सकते मैं काम कर रहा हूँ। पहला हो गया, अब क्या है? मम्मी, मुझे स्कूल में कोई पसंद नहीं करता, टैटू के कितने पैसे लगते हैं? नहीं, तुम सोचना भी मत, पर कुछ ऐसा जो परमानेंट ना हो। तुम्हें स्टार्स पसंद है ना? ये नीडल से कम दर्द करेगा। पानी में डिप करें और बहुत सारी शेप्स बनाएं। एक और बार डिप करेंगे, ऐसे ही बहुत सारे बनाएंगे। देखो कैसे तैर रहे हैं। ओह, जरा रुको, क्या कर रही हो? वाओ, ओह रिफ्रेशिंग, क्या ये मैं हूँ? अब मेरे बाजू पर करो, एक
स्पाइडर बनाओ। नहीं मॉम, मुझे घर नहीं जाना। अरे यार ये कैसे हो सकता है। हे गाइस, ये देखो मेरे पिता तो उधर। क्या है? उसके पास भी है, देखो। वाओ, क्या बात है दोस्त, तुमने कैसे बनाए? मेरी मम्मी ने बनाए। तुम्हारी मॉम कितनी कूल है। एक्सक्यूज मी, वापस आओ। बाय। ये यान कैसे उलझ गए। वाह ग्रैंडमा, देखो। ओह नहीं, मेरी यान। ये क्या हो गया? नहीं 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 नहीं, मेरा आर्ट, ये पूरा खराब हो गया। ग्रैंडमा, ये आपकी यान ने क्या कर दिया? रुको, यान यान बिल्कुल। ये पेंट में अभी से डूब चुकी है, मैं कर सकता हूँ। जी हाँ, ब्लैक पेंट कैनवस पर पहले से है और अब लेंगे थोड़ी गोल्ड पेंटेड यान। मैंने कैनवस के ऊपर इसे लगा दिया है, थोड़ी और यहाँ लगाएंगे। तो चलो पूरे पीस पर। अब हम कुछ यान एंड टेप से जोड़ देंगे जिस पर पेंट ना हो। तैयार हो? चलो अब कैनवस को ऊपर की तरफ खींचो। ये देखो यान इसमें से निकल गयी। ये आर्टवर्क का पीस बहुत शानदार है, तुम ग्रैंडमा के बेस्ट आर्टिस्ट हो। ये मेरी अभी तक की सबसे अच्छी पेंटिंग है। हे, ये क्या है? ये यहाँ आया भी कैसे? देखो ये एक बहुत खूबसूरत डियर है, जरा उसको देखो जेनिफर, वो जरूर कुछ है। हाँ। वो खड़ा है, चलो काम पर लगे। हाँ? बस सही लाइन से शुरुआत करनी है, एंगल थोड़े अजीब है। किसी काम का नहीं, मुझे कुछ और सही चाहिए। बिंगो, अब मैं अच्छे से नाप ले सकती हूँ। मैं अभी वापस आई। तुम कहाँ जा रही हो? जो भी है, थोड़ा नजदीक जाने का समय है। आहा, अच्छा लग रहा है, दिलचस्प है। अब मुझे पता है क्या करना है, चलो ड्राइंग करना शुरू करें। हमेशा ब्लैक पेन से शुरुआत करें। ये खत्म हो रखा है। ये बहुत बेकार है। जेनिफर, तुमने मेरा पूरा पीस खराब कर दिया। अबे मुझे इसकी इतनी परवाह नहीं है यार, तेरा देखो ये गड़बड़। हाँ मुझे लगता है मुझे दोबारा स्टार्ट करना होगा, नहीं तो मैं इस टेक्निक को अपने एडवांटेज की तरह इस्तेमाल कर सकती हूँ। आपको लगता है ये बहुत डार्क है? ज्यादा देर के लिए नहीं, पिक्चर के ऊपर पेंट डाले। अब इस लेयर को हटाएं। अब स्पेस का ऊपरी हिस्सा बनाएं। एक से भले दो कलर्स होते हैं, बढ़िया है ना? चलो अब जरूर हिस्से की बारी। ब्रश का इस्तेमाल करके पेंट को बाहर की ओर निकालें। ये बहुत अच्छा इफेक्ट दे रहा है, देखो लगभग हो गया। ट्रीज के ऊपर भी ब्रश को फहराएं। यहाँ तक कि टूथब्रश भी कमाल कर सकता है, बस थोड़ी सी स्किलफुल फ्लिक्स लगेंगी। बढ़िया, अब यहाँ से पहले लेयर निकाले और आपको एक रात के समय का जंगल का सीन नजर आएगा। क्या ये मैजिकल नहीं है? मेरा देखो, तुमने ये सब कैसे किया? खैर इस राउंड का विनर साफ नजर आ रहा है, बहुत खूब वेंडी। ओह मैं अच्छी लग रही हूँ। ओह हाँ बिल्कुल हो गया। चलो अगला कौन है? मैं हूँ, जल्दी निपटा लेते हैं। वाओ तुम्हारा स्टाइल बहुत अच्छा है, मुझे चलेगा। मोनोक्रोम लुक मुझे बहुत पसंद है, स्माइल तो कर दो। मैं ना करना चाहूँ तो? ठीक है, तुम्हें मूडी लुक चाहिए, मैं समझ गई। ये क्या है? क्या ये हाथ है? ये मेरे साथ है, ये बहुत अजीब है। मुझे दूर हटो। नहीं, मेरा कैमरा। उप्स, मैं ये इस्तेमाल नहीं कर सकती, ये खराब हो गया। अब मैं फोटोज कैसे लूं? जरा रुको, शायद मैं ये इस्तेमाल कर सकती हूँ।
क्या पता काम कर जाए, कोशिश करते हैं। ऐसे ही रहना, मैं तुम्हारा चेहरा बनाऊंगी। अब इस तरह लाइंस बनाते जाएंगे, एकदम आराम से, अलग अलग तरीके से पेंसिल पर प्रेशर देंगे, इससे शेडिंग और टेक्सचर आ जाएगा जिससे ड्राइंग और असली दिखेगी। वाह, आईलैशेस कितनी अच्छी लग रही है, काश मैं भी अपना मस्कारा ऐसे लगा पाती। अब दूसरी आंख की बारी, हर चीज उभर कर आनी चाहिए। आंखें एक अलग ही कहानी बताती है और ड्राइंग को स्मच कर शैडोज मिलती है। मैं इसके लिए खास टूल इस्तेमाल कर सकती हूँ, इससे मेरे हाथ गंदे नहीं होते। व्हाइट पेंसिल से कॉन्ट्रास्ट आता है और लाइट और डार्कनेस का इम्प्रेशन भी मिल जाता है। ये बहुत बढ़िया बनेगी। अब आंखों के आसपास शैडो बनाएंगे, इससे हमारे नेचुरल कर्व्स नजर आने लगेंगे। चीक बोन्स कैसे उभर कर आ रही है, वाह। अब आंखों के आसपास थोड़ी सी और डिटेल लगाएंगे, परफेक्ट चीज इतनी जल्दी नहीं बन सकती। अब ये बनता हुआ नजर आ रहा है। अब हम लिप्स पर काम करेंगे, लाइट और डार्क पेंसिल्स को मिक्स कर ये और गहरे लगेंगे और अलग से दिखेंगे। इस ड्राइंग में जान आने लगी। चलो बालों पर काम करें। बालों के लिए हम थोड़ा लाइट और फिर डार्क लाइंस बनाते जाएंगे, बीच में गैप छोड़ देंगे और ऐसा दिखाएंगे जैसे लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है। अब ब्रेड बनाएंगे, इसी पर शेड करते जाएं ताकि ये और फुलर लगे। अब दूसरी साइड पर बिल्कुल एक जैसा ही प्रोसेस है, लेयर्स और टेक्सचर बनाते जाएंगे और इस तरफ भी ऐसा ही लाइट रिफ्लेक्शन बनाएंगे। अब इसकी बॉडी पर काम शुरू करते हैं। हम इसे बिल्कुल हल्के हाथ से बनाएंगे और ब्लेंडिंग टूल से शेडिंग करेंगे। शुक्र है तुमने मल्टी कलर्ड कपड़े नहीं पहने, मेरे लिए तो ये बहुत आसान हो गया। जब ये स्केच बन जाए तो मैं ब्लैक पेंसिल लूंगी और थोड़ा प्रेशर डालकर चलाऊंगी। ये पूरा हो गया, ये अभी तक की किसी भी फोटोग्राफ से बहुत अच्छा बना है। इसमें भी तुम एकदम डरावने तरीके से देख रही हो, अब देखो कैसा लगा। उम्मीद है तुम्हें पसंद आए। ये मैं हूँ, बहुत खूबसूरत लग रही हूँ, तुम तो बहुत टैलेंटेड हो। मैं एक सेकंड के लिए परेशान हो गई थी, मुझे लगा तुम तो मुझे मार दोगी। ये लो, अब चलो जाओ। अब मैं देख सकती हूँ मॉम। हैप्पी बर्थडे। ये थैंक्स मॉम। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। सच में मेरे लिए? तुम इसकी हकदार हो हानी। वाओ, इसमें क्या है? ओह, कितना एक्साइटिंग है, मुझे सरप्राइजेस पसंद है। वो क्या ये आईपैड है? वाओ, थैंक्स मॉम, मजा आ गया। मैं बहुत खुश हूँ। आई लव यू हनी। मेरे पास एक आइडिया है, मैं कुछ ड्रॉ करूँगी। ओह, ये बढ़िया है, सुंदर बटरफ्लाई। वाओ, कितना आसान था। रुको, ये क्या हो रहा है? वाओ, ये देखो, ये तो जादुई है। मैं और क्या ड्रॉ करूँ? एक आइडिया है, क्यों ना मैं? हाँ हाँ, मैं जरूर करूंगी। बहुत सारा कैश ड्रॉ करेंगे और अब इंतजार करेंगे। कुछ हो रहा है, लगता है ये काम कर रहा है। वो वो, देखो कितना सारा कैश। वो, मैं अमीर हो गई, इतने पैसे पहले कभी नहीं देखे। असली है, मैं बाद में शॉपिंग पर जाऊंगी, पर पहले मुझे कुछ और भी ड्रॉ करना है। तो चलो, पहले इसकी आउटलाइन बना ली है, अब इसके ऊपर पेन चलाएंगे, अब आंखें बनाएंगे, अभी से अच्छा लग रहा है। और अब इसकी नाक और इसकी मुस्कुराहट, इस तरह। अब इसकी बॉडी की बारी, जैकेट कितनी कोजी लग रही है, मुझे भी ऐसी एक चाहिए। मेन पार्ट हो गया है, अब और डिटेल्स पर काम करेंगे। बंदाना पर लोगो बनाएंगे, कुछ ऐसा स्पाइरल सा बना देंगे। अब इसमें कलर करेंगे, बालों के लिए येलो कलर इस्तेमाल करेंगे, लगता है इस पर ब्लॉन्ड होना सूट करता है। बंदाना के लिए ब्लू कलर इस्तेमाल करेंगे, ब्लू के अलग अलग शेड्स लेंगे। अब शैडोइंग करेंगे, हमें कॉन्ट्रास्ट बनाना है, इसे मेटालिक लुक देंगे। कितना बढ़िया लग रहा है। स्किन के लिए लाइट पिंक कलर इस्तेमाल करेंगे, नाक के नीचे और कानों पर डार्क पिंक इस्तेमाल करेंगे। मेरी ड्राइंग्स को और असली दिखाने के लिए आईपैड काफी काम आ रहा है, बस हमें ऐसी जगहें देखनी है जहाँ पर लाइट आए
और उस हिसाब से टोन्स चूज करेंगे। नेक पर हम पिंक का डार्क वाला शेड इस्तेमाल करेंगे, ये शैडो में रहेगा। बालों पर और डिटेल्स बनाएंगे, इससे इसके बाल खड़े हुए लगेंगे। आंखों पर जूम करेंगे और इसकी आंखें ब्लू बनाएंगे और ब्लैक लाइंस बनाएंगे। कटिंग टूल सिलेक्ट करेंगे और इसकी आंखों के आसपास ध्यान से आउटलाइन करेंगे और आईलिड्स पर भी। अब कलर हटा देंगे। अब क्या करना है? हाँ, इसके कपड़े। कितना अच्छा कलर है, शैडोज बनाने की जरूरत है। जब ये हो जाए तो बाकी के जैकेट पर कलर करेंगे। इसके लिए डेनिम ब्लू इस्तेमाल करना है। कितनी जल्दी हो गया। अब इस पर ब्लैक कलर करेंगे। एक पतली सी लाइन ड्रॉ करनी है, बस स्कर्फ भी बना देते हैं, क्यों नहीं। बैकग्राउंड कलर करेंगे। देखो ये तैयार है। वाह शानदार। चलो इतना समय क्यों लग रहा है आखिरकार। हे क्या हो रहा है, मैंने तुम्हारी तस्वीर बनाई। बिल्कुल, तो ये मेरी बर्थडे पार्टी है। वो बहुत खूबसूरत है, देखते हैं मैं उसे अपनी टैलेंट से इम्प्रेस कर पाता हूँ या नहीं। इस ब्लू से शुरू करेंगे। मुझे और भी रंग चाहिए होंगे। इस हार्ट में पिंक कलर करेंगे। देखो उसे इस पेंटिंग से मेरा मैसेज मिल जाएगा, शायद उसे ये पसंद आए। तुमने ये मेरे लिए बनाया है, निकलो यहाँ से। आउच, नहीं मैं नहीं चाहता ऐसा हो। हाँ ये बकवास है। रुको, क्या? ओ नहीं, मेरे पूरे हाथों पर पेंट लग गया। आज का दिन बहुत ही बुरा जा रहा है। इससे पहले मैं गड़बड़ कर दूं, मैं पेंट धो लेता हूँ। साबुन तो चाहिए ही होगा। एक सेकंड रुको। वाह ये देखो, शर्ट पर पेंट लग गया है। मैं अपना काम शुरू करता हूँ। ये रहा पानी का बोल और मेरा डिश सोप। और बिल्कुल मुझे थोड़ा पेंट भी डालना होगा। इसे पॉपस्टिकल स्टिक से मिक्स कर दे। तो चलो ये थोड़ा सर्ट सी हो गया है, पर हमें और बबल्स चाहिए। अब स्ट्रॉ से इसमें फूंक मारते हैं। वाह इन बबल्स को तो देखो, ये आए ही जा रहे हैं। जी हाँ तुम्हारा काम पूरा हुआ स्ट्रॉ। अब बबल्स पर पेपर रख देंगे और इसी तरह। वाह बबल्स पेपर पर आ गए। हाय मैंने तुम्हारे लिए ये कार्ड बनाया है। तुमने ये मेरे लिए बनाया? वाह मुझे पसंद आया, बहुत खूबसूरत है। हे भगवान मेरे साथ क्लास तक चलोगे? ये तो काम किया। और उन्होंने पूल से पूरा फ्लोट बनाया था। पागलपन है ना? कैसी हो लेडीज? हेलो, हम बस अभी फ्लावर्स के बारे में ही बात कर रहे थे। मैं सुंदर नहीं हूँ? बस भी करो, ठीक है हम तुम्हें ड्रॉ करेंगे। हे भगवान, लेकिन कैसे? मेरे पास ब्रशेस नहीं है। विंडी बुरा नहीं मानेगी अगर मैं एक ले लूं। क्या मानेगी वो? ये वाला भी काफी अच्छा है। बढ़िया, अब एक मोटी लाइन बनानी है। हे, ये मेरा ब्रश है जेनिफर, तुम्हारा नहीं है। नहीं, देखो तुमने क्या कर दिया। मेरे ख्याल से मैं कुछ अलग इस्तेमाल कर सकती हूँ। ठीक है, बहुत ही अलग। पहले बोतल का निचली हिस्सा पेंट में डुबोए, अब इसे फूल बनाने में इस्तेमाल करें। काफी आसान है, आपको नहीं लगता? बस थोड़े और। काफी अच्छे से राउंड हुआ है। ऐसे दूसरे और कलर्स इस्तेमाल करो, ये काफी अच्छा दिख रहा है। देखो बुरा नहीं है। मुझे नहीं लगता मैं ये ठीक कर सकती हूँ। मेरा काफी अच्छा बना है वैसे। ये सही नहीं है। कम से कम तुमने पूरी कोशिश करी मेरे लिए। तुम बहुत अच्छी हो जेनिफर। पेंट वाले हाथ, तुम बाद में मेरे गले लग सकती हो। आप अपने आप को क्राफ्टी कहते हैं, तो आप जानते हैं कि हमें इनका क्या करना है। पर चाहे आप जितने भी आर्टिस्टिक रिचुअल फॉलो करें, कुछ ऐसे हैक्स होते हैं जो सिर्फ बहुत समझदार आर्टिस्ट ही जानते हैं, और हम आपको उनमें से ही कुछ सीक्रेट्स बताएंगे।
और जब आप उन्हें इस्तेमाल कर कर आर्ट बनाएंगे तो आप भी उन जैसे हो जाएंगे। बस हमें क्रेडिट देना मत भूलना अगर आपका पीस किसी गैलरी में जाए। ये तो कमाल है, चलो बनाना शुरू करें। तो चले, एक अच्छे आर्ट से बेहतर और क्या होगा, खासकर जब आपने वो खुद बनाया हो। आपकी सबसे अच्छी आर्ट टिप क्या है कमेंट्स में बताएं। ऐसी ही और मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।